जी तो भाई लोग, प्रभास का नेक्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर कल की आ चुका है। जी हाँ, स्पिरिट मूवी को लेकर अपडेट आ चुकी है। स्पिरिट मूवी सबसे ज़्यादा लोगों का पूछे जाना वाला सवाल कि भाई इस मूवी को डायरेक्शन कौन देने वाले हैं, इस मूवी के डायरेक्टर कौन होने वाले। तो भाई लोग, इस मूवी के डायरेक्टर जो है वो कन्फर्म हो चुकी है। सबसे पहली तो ये गुड न्यूज़ कि इसको संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट करने वाले हैं। जी हाँ, वही संदीप रेड्डी वांगा जिन्होंने एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी रणबीर कपूर के साथ मिलकर दी। हालांकि रणबीर कपूर का इस तरह का लेवल और इस तरह का रूप हमें पहले किसी भी मूवी में नज़र नहीं आया, लेकिन इस मूवी में जो उन्होंने इनका रूप दिखाना, तो भाई लोग 600 करोड़ तो मूवी ऐसे ही पार कर गई। पता ही नहीं लगा किसी बंदे को कि भाई 600 करोड़ भी ये मूवी पार कर गई। हालांकि लोगों ने कहा था कि भाई ये इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फेक है, लेकिन भाई मूवी का जो दम देखा ना, तो लोगों ने कहा वाकई भाई मूवी इतना डिजर्व करती है ब्लॉकबस्टर होना। क्योंकि रणबीर कपूर का एक न्यू ही लुक इसमें किया गया था, एक नया ही लुक इसमें हमें डिफाइन किया गया था कि भाई इस तरह के भी एक्टर एक्टिंग कर सकते हैं। हमने सोचा था कि रणबीर कपूर हमें सिर्फ कॉमेडी या फिर रोमांटिक मूवीज में ही नज़र आ सकते हैं, लेकिन भाई लोग इस चीज़ को गलत करते हुए संदीप रोमांटिक रोल में नज़र आया। लेकिन भाई लोग, इसमें जिस तरह का उन्होंने इनका एक न्यू लुक डिज़ाइन किया था ना, वो भाई लोग देखने के काबिल था, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लुक था। तो भाई लोग, स्पिरिट मूवी को लेकर बात करते हैं। इसमें जो हमें प्रभास का लुक दिखाया जाएगा ना, हमें कभी बाहुबली में वो दिखा था। बाहुबली के बाद तो इनकी आई थिंक कोई ऐसी मूवी नहीं है जो ब्लॉकबस्टर हुई हो। हालांकि गलती हुई है, लेकिन उस लेवल की नहीं। राधे श्याम सलार सब पिट गई इनकी मूवी। सलार भी ठीक ठाक गई है, लेकिन वो पिट गई उसके मुकाबले में। लेकिन भाई लोग, संदीप रेड्डी वांगा जिस तरह का जानवर उनके अंदर से निकालने वाले हैं ना प्रभास के अंदर से, वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि भाई इसमें आपको पता कि संदीप रेड्डी वांगा जिस भी मूवी या फिर किसी भी एक्टर को पकड़ते हैं, तो उनके जिस तरह ऐसा राजा मौली का एक अपना स्टाइल है, उसी तरह इनका भी एक अपना स्टाइल है। इन्होंने आज तक एक भी मूवी फ्लॉप नहीं दी। पीरियड में हमें संजय दत्त एज अ विलन नज़र आने वाले हैं, ये वाली अपडेट उन्होंने दी थी। और ये पता नहीं कितनी सच है और झूठ है। अगर ये अपडेट सच होती है तो भाई लोग समझ लें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फेल होने वाले हैं सबके आगे।